सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फोटो एडिटिंग टुडे वीडियो। सो गाइस, आज की एडिटिंग फेस्टिवल के लिए एडिटिंग होने वाली है, मतलब मकर संक्रांति के लिए फोटो एडिटिंग करेंगे। तो आपको पता ही होगा गाइस कि मकर संक्रांति पे काइट्स फ्लाइंग करते हैं, मतलब पतंग उड़ाते हैं, आपको पता ही होगा। सो इसी तरह मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट लाया हूँ मकर संक्रांति के लिए। और आप इसकी बैकग्राउंड को देख सकते हो, जो कि गाइस मैंने खुद मैनिपुलेट करा है इस तरह से, मतलब बिल्डिंग्स वगैरह हैं एंड ग्रास वगैरह हैं वो अलग है एंड बैकग्राउंड अलग है, जिससे हमारी एक यूनिक बैकग्राउंड क्रिएट हुई। सो वीडियो को तो एक लाइक बनती है बैकग्राउंड के लिए। सो बैकग्राउंड एंड पीएनजी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो सभी को। सो डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज की इस इंटरेस्टिंग टूर वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सो सबसे पहले आपको ओपन कर लेनी है पिक्सार्ट ऐप को एंड बैकग्राउंड को ऐड कर लेनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड को ऐड कर रखा है। एंड यहाँ पर आपको सिंपली ऐड फोटो को प्रेस करना है एंड ये वाली पीएनजी को ऐड करना है, मतलब ग्रास वाली ग्राउंड को ऐड करेंगे एंड इस तरह से यहाँ पर सेट करेंगे। तो इस तरह से सेट कर लेना एंड उसके बाद अगेन आपको ऐड फोटो को प्रेस करना है एंड आपको इस बिल्डिंग वाली पीएनजी को इस तरह से ऐड करके यहाँ पर सेट करेंगे एंड आपको सिंपली लेयर्स पे आके मूव डाउन कर देना है, जिससे बैक साइड चली जाएगी एंड इस तरह से सेट हो जाएगी एंड इस तरह से हमारी बैकग्राउंड बन जाएगी। बट इसमें हम कुछ यूज़ करेंगे और कुछ पीएनजी को, जैसे कि मैंने ये दो किट्स को ऐड करा है। तो सिंपली आपको यहाँ सेंटर पर लाना है एंड इसे इस तरह से बड़ा कर देना है एंड एक और पीएनजी को मैं सेट कर लेता हूँ, सिंपली सेंटर पर लाऊँगा एंड इस तरह से बड़ा करके, मतलब कि ऐसे खींच के यहाँ पे बड़ा करेंगे एंड इस तरह से साइड कर लेंगे। तो गाइस ये फाइनली हमारे बैकग्राउंड क्रिएट हो गया है एंड आपको सिंपली ऐड फोटो को प्रेस करना है एंड अपने एक मॉडल फोटो को ऐड कर लेना है या पीएनजी को ऐड कर लेना है। सो मैं पीएनजी को ऐड कर रहा हूँ। सो अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता गाइस, तो ये वाली वीडियो को देख लेना। इस वाली वीडियो के अंदर आपको बताऊँ कि कैसे आप बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हो बहुत ही आसानी से एंड जो आउटपुट मिलती है वो बहुत ही एचडी में मिलती है। पिक्सल ऐप पे इरेज करोगे तो थोड़ी सी क्वालिटी घट जाती है। सो पीएनजी ऐड करने के बाद सिंपली अगेन ऐड फोटो को प्रेस करेंगे एंड ये जो मांजा वाली पीएनजी को ऐड करेंगे। सो ऐड करने के बाद इस तरह से यहाँ पर अपना हैंड पे यहाँ पर सेट करूँगा, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि मैं इसे पकड़ा हूँ। सो इस तरह से सेट कर लूँगा। एंड सेट करने के बाद क्या करूँगा, सिंपली अगेन प्रेस करूँगा ये वाली पीएनजी को एंड इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दूंगा अभी के लिए। देन इरेजर को प्रेस करेंगे एंड इरेजर की सेटिंग को पहले चेंज कर लेंगे इस तरह से। चेंज करने के बाद आपको सिंपली अपने हैंड पे इस तरह से इरेज करना है। तो गाइस ये हो गया, इसे कर दूंगा डन। तो गाइस ये हो गया, तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली अब आ जाऊँगा इफेक्ट्स पे, देन कलर्स वाली ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड इसमें ब्राइटनेस को प्रेस करके अमाउंट को पूरा जीरो कर देंगे। देन इरेजर को प्रेस करेंगे एंड आइसोलेशन को प्रेस करेंगे एंड ब्रश की सेटिंग को कर लेंगे चेंज। चेंज करने के बाद इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, मतलब नीचे पे ही ड्रॉ करना है एंड सेटिंग कर लूँगा अच्छे से एंड इस तरह से नीचे पे ब्लैक ब्लैक कर दूंगा। जिससे ये पीएनजी रियलिटी लगे, तो इसे डन करूँगा एंड आप यहाँ देख सकते हो परफेक्ट मैच हो चुका है। ओके, देन आगे नेट फोटो को प्रेस करके अब मैं ये वाली पीएनजी को ऐड करूँगा, जो कि शैडोज पीएनजी है एंड लेयर्स बैक है, मूव डाउन कर दूंगा। सो आप चाहो तो सेट कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो चल जाएगी। अब क्या करेंगे, सिंपली ऐड फोटो को अगेन प्रेस करेंगे एंड मैं आपको एक रोव की पीएनजी दिया हूँ, मतलब कि जो काइट्स की रहती है, इस तरह से यहाँ पर आपको सेट कर लेनी है। सो इरेजर को प्रेस करूँगा एंड यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। ओके, देन मैं अपने हैंड पे थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, मतलब ऐसा इरेज किया हूँ जिसमें थोड़ा लगे कि भाई सच में मैं इसे पकड़ा हूँ, तब जाके हमारी फ़ोटो अच्छी लगेगी, मैनिपुलेटेड लगेगी। तो इसे मैं कर दूँगा डन एंड डन करने के बाद और कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपली इसे आपको डन कर देना है। तो ये हो गया डन। अब मैं टूल्स पे जाऊंगा, टूल्स पे आने के बाद हेडरेस्ट को प्रेस करेंगे एंड ब्राइटनेस को पूरा कम करके इरेजर को प्रेस करेंगे
एंड इस वाले आइकन को प्रेस करेंगे और सिंपली जूम करना एंड अपने फूड पे ड्रॉ करना है जिससे थोड़ी सी ब्लैक हो जाएगी, मतलब शेडोज क्रिएट करना है और अच्छे से कर सकते हो यहाँ पे, जिससे हमारी मॉडल फोटो बैकग्राउंड से मैच हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे ब्लैक करेंगे एंड ऐसे कर देंगे डन। एंड अब टूल्स पैक अगर मैं एडजस्ट पे जाऊँगा एंड इसमें ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा, देन इरेजर को प्रेस करके ये वाले आइकन को प्रेस करेंगे एंड ब्रश की सेटिंग कुछ कर लेते हैं चेंज। सो पहले मैं जूम करूँगा एंड उसके बाद ब्रश की सेटिंग को कर लूँगा चेंज। एंड चेंज करने के बाद आपको इस तरह से लाइट देना है अपने, मतलब कपड़े पे चमक देना है, तो इस तरह से अपने कपड़े पे एंड स्क्रीन पे चमक देंगे। तो मैं वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ बट प्रोसेस सेम है। तो ये हो गया, देन इसे मैं कर दूंगा डन। एंड डन करने के बाद सिंपली मैं ड्रॉ लिए ऑप्शन को ओपन करूंगा। एंड यहाँ से अपने फोटो कर लूँगा सेव। सो फोटो हमारी अभी तक रेडी नहीं हुई है, सिंपली आपको लाइट रूम आपको ओपन करना है एंड अपने फोटो को ऐड कर लेना जो अभी पिक्सल ऐप पे सेव करा था। एंड इसमें सबसे पहले हम लाइट वाले ऑप्शन पे आके एक्सपोजर को थोड़ा सा माइनस करेंगे एंड हाईलाइट को इंक्रीज करेंगे, शैडोज को थोड़ा सा कम कर देंगे एंड वाइट को भी थोड़ा सा कम कर लूँगा, सॉरी इंक्रीज करूँगा, एंड ब्लैक्स को भी इंक्रीज करेंगे। एंड इस वाले ऑप्शन पे आके सिंपली क्लैरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे एंड कलर्स वाले ऑप्शन पे आके सिंपली सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा एंड मिक्स टैब को ओपन करूँगा। इसमें लुमिनस को इंक्रीज कर लेते हैं, मतलब ऑरेंज कलर पे आके एंड सैचुरेशन को भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, राइट कलर पे भी चेक कर लेते हैं तो ये ठीक है। बाकी आप कलर में मेरी तरफ फॉलो करके यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज कर रहा हूँ, इस तरह से आप कर सकते हो। सो वेल गाइस, अब मैं इसे कर दूंगा डन। एंड डन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर में हमारी फोटो हो चुकी है रेडी। सो इस तरह से अपना फोटो आपको एडिट कर लेना है, बहुत ही इजी था। तो इस तरह से अपने फोटो को एडिट कर लेनी है एंड सिंपली कलर्स पे ये वाली, मतलब टाइम को थोड़ा सा कम करोगे तो इसमें ब्लू टोन देखने को मिलेगा एंड इसे इंक्रीज करोगे तो आपको ऑरेंज टोन या सनलाइट वाली टोन आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव लग रही है। तो थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना एंड सिंपली शेयर वाले ऑप्शन को प्रेस करके एक्सपोर्ट को प्रेस करेंगे एंड इसे कर देंगे डन, जिससे हो जाएगी हमारी फोटो सेव।